दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों आज हो चुका है 7 मार्च 2022। जी हाँ दोस्तों, 7 मार्च 2022 सोमवार की 5 बड़ी भर्तियों की अपडेट हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। 5 विभागों में बम्पर भर्तियों की अपडेट आ चुकी है। इन फॉर्म को भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, इन सभी भर्तियों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं और सभी भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। इन भर्तियों के लिए आप ऑल ओवर इंडिया से, भारत के किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हो। मेल फीमेल बोथ कैंडिडेट इन फॉर्म को भर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है। 10वीं 12वीं पास, डिग्री पास, डिप्लोमा पास कैंडिडेट के लिए भी सुनहरा और बड़ा अवसर निकला है। 7 मार्च 2022 सोमवार की 5 विभागों में लेटेस्ट भर्तियों की अपडेट आ चुकी है। इन भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि किन किन 5 विभागों के अंतर्गत भर्तियाँ निकली है, किस पोस्ट के लिए कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन सभी भर्तियों की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज की यानी कि 7 मार्च 2022 की 5 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो फर्स्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है हाईकोर्ट में, उच्च न्यायालय के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। पोस्ट है, इसमें पोस्ट की अगर बात की जाए तो कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर की यहाँ पर इसमें पोस्ट निकली है। वैकेंसीज की बात की जाए तो टोटल 159 वैकेंसीज है। यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट के लिए 30 वैकेंसीज है, स्टेनोग्राफर के लिए भी 129 वैकेंसीज निकली है। बात अगर इसमें इम्पोर्टेंट डेट्स की जाए तो ऑनलाइन आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट 3rd week of March 2022 है। जी हाँ दोस्तों, मार्च के 3rd सप्ताह में ये भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट होने की संभावना है। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की जल्द ही अपडेट की जाएगी, अभी डिक्लेयर नहीं की गई है। सैलरी की बात की जाए तो 25,500 से यहाँ पर 550 से 81,100 है लेवल 4 के अंतर्गत। बात अगर इसमें क्वालिफिकेशन की जाए तो ग्रेजुएट डिग्री से आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। एज लिमिट 18 से 37 वर्ष है। बात अगर इसकी एप्लीकेशन फ़ीस प्रोसीजर की जाए तो जनरल OBC कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये फ़ीस है, SC ST PH के लिए 200 रुपये फ़ीस है, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात की जाए तो रिटन एग्जाम और स्किल टेस्ट के आधार पर इसमें आपका चयन किया जाएगा। ऑनलाइन तरीके से आप आवेदन कर सकते हो, ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो। पटना बिहार जॉब लोकेशन है। मेल फीमेल बोथ कैंडिडेट आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। patnahighcourt.gov.in ये इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है, जिससे आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, जो सेकंड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है पब्लिक सर्विस कमीशन में, लोक सेवा आयोग PSC के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। पोस्ट है इसमें ग्रुप ए की, जिसके अंतर्गत सिविल सर्विस ग्रेड सेकंड और पुलिस सर्विस ग्रेड सेकंड की भर्ती है। वैकेंसीज आप पोस्ट वाइज नोटिफिकेशन की PDF से ही चेक कर सकते हो। बात अगर इसकी इम्पोर्टेंट डेट की जाए तो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की स्टार्टिंग डेट 29 मार्च 2022 है और लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 30 अप्रैल 2022 है। सैलरी लेवल 14 के अंतर्गत प्रति माह के लिए प्रोवाइड की जाएगी। ग्रेजुएट डिग्री से आप इस भर्ती के लिए अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। एज लिमिट 21 से 40 वर्ष है। बात अगर इसमें एप्लीकेशन फ़ीस की जाए तो जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर 400 रुपये फ़ीस है, SC ST PSC BPL कार्ड होल्डर्स कैंडिडेट्स के लिए 350 रुपये फ़ीस है, जो कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा प्री एग्जाम, मेन एग्जाम और पर्सनैलिटी टेस्ट के आधार पर। ऑनलाइन तरीके से आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। त्रिपुरा जॉब लोकेशन है। ऑल ओवर इंडिया से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। बात अगर ऑफिशियल वेबसाइट की जाए तो tpsc.tripura.gov.in जिसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो।
उसके बाद दोस्तों जो थर्ड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ट्रेड अप्रेंटिस की पोस्ट है, 50 वैकेंसी जिसके लिए निकली है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 30 मार्च 2022 है। सैलरी की बात की जाए तो इसमें सैलरी 7000 है प्रति माह के लिए। 10वीं पास प्लस ITI से आप अप्लाई कर सकते हो। 16 से 24 वर्ष आयु सीमा है। फीस जमा नहीं करनी होगी और ना ही इस भर्ती के लिए आपको कोई भी एग्जाम देने की ज़रूरत है। मेरिट से इसमें आपका चयन किया जाएगा। ऑफलाइन तरीके से आप आवेदन कर सकते हो। तमिलनाडु जॉब लोकेशन है, ऑल ओवर इंडिया से आवेदन कर सकते हो। bhavini.nic.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ नंबर पर यहाँ पर जॉब निकली है वो निकली है ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड में। बेसिल के अंतर्गत भर्ती निकली है। पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट या टेक्नीशियन, लैब अटेंडेंट, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, कैशियर, रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन और सीनियर मैकेनिक की। 86 वैकेंसी जहां पर निकली है। सभी पोस्ट वाइज वैकेंसीज भी आप नोटिफिकेशन की PDF से ही चेक कर सकते हो। बात अगर इसमें इंपॉर्टेंट डेट की जाए तो लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 11 मार्च 2022 है। सैलरी की बात की जाए तो इसमें टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन, रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन के लिए 33,450 है, लैब अटेंडेंट के लिए 19,900 है, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, कैशियर, सीनियर मैकेनिक के लिए 23,550 है प्रति माह के लिए। बात अगर इसमें क्वालिफिकेशन की जाए तो 10वीं 12वीं पास, BSc डिग्री, डिप्लोमा से आप अप्लाई कर सकते हो। बात अगर इसमें यहाँ पर इसकी एज लिमिट की जाए तो एज लिमिट यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट या टेक्नीशियन के लिए 25 से 35 वर्ष है, लैब अटेंडेंट के लिए 18 से 27 वर्ष है, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन के लिए 18 से 30 वर्ष है, कैशियर के लिए 21 से 30 वर्ष है, रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन के लिए 21 से 35 वर्ष है, सीनियर मैकेनिक के लिए 18 से 40 वर्ष यहाँ पर आयु सीमा है। बात अगर एप्लीकेशन फीस की जाए, जनरल OBC वोमेन EXS मैन कैंडिडेट के लिए 750 रुपये है, SST WSPH कैंडिडेट्स के लिए 450 रुपये है, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ऑनलाइन तरीके से पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन इसमें आपका होगा प्रिस्क्राइब नॉर्म्स और जॉब रिक्वायरमेंट के आधार पे। ऑनलाइन तरीके से आप आवेदन कर सकते हो। भोपाल MP जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। basil.com ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर 5 और लास्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है नेशनल हेल्थ मिशन में, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के अंतर्गत ये भर्ती है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO की पोस्ट है। 966 वैकेंसीज निकली हुई है। इंपॉर्टेंट डेट की बात की जाए तो आवेदन इस भर्ती के लिए 25 फरवरी से चल रहे हैं। लास्ट डेट ऑनलाइन अप्लाई करने की 15 मार्च 2022 है। बात अगर इसमें सैलरी की जाए तो सैलरी इसके लिए यहाँ पर 25,000 रुपये है प्रति माह के लिए। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग और GNM से आप अप्लाई कर सकते हो। 21 से 40 वर्ष आयु सीमा है। फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट के आधार पर इसमें आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन ही आप आवेदन कर सकते हो। MP मध्य प्रदेश जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। NHMMP.gov.in की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज के यानी कि 7 मार्च 2022 की टॉप 5 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको अभी इन भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से किसी भी भर्ती की नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई भी यहीं से कर सकते हो। सभी के लिंक आपको यहीं पर प्रोवाइड किए गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपके मन में अभी इन भर्तियों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। और अंत में दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।